हेलो एवरीवन, मैं अंजना। स्वागत है आपका अंजनाज किचन में। आज हम बनाएंगे काजू कतली, जो हम सबको तो बहुत पसंद है, लेकिन यह बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इसे बीच में स्किप ना करें, कि मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप जो काम किया है, जिससे कि आपकी बर्फी भी बहुत ही अच्छी बन सके और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए मैंने लिए 2 कटोरी काजू और उन्हें अच्छे से साफ कर लिया है। कई बार इन पे ब्लैक छिलका लगा होता है। और 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर, 1 कटोरी चीनी और अब हम चाशनी बनाएंगे। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे और अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और अब हम इसे चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। और इतने में हम अपने जो काजू हमने लिए थे उनको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। हम काजू को एक साथ ही पूरा ग्राइंड नहीं करेंगे, 1 सेकंड चलाकर उसे बंद कर देंगे और फिर दोबारा से चलाकर उसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर एक ही साथ हम पूरा उसे ग्राइंड कर देंगे तो जो मिक्सी का जार है वो गर्म हो जाएगा और काजू में से तेल निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काजू में भी बहुत ही तेल होता है। लीजिए, अब हमारा 1 कटोरी काजू पीस कर तैयार है। अब ऐसे ही हम 2 कटोरी के काजुओं को भी पीस लेंगे। इसमें भी हम मिक्सी को 1 सेकंड चलाकर बंद कर देंगे और फिर उसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। लीजिए, अब हमारे 2 कटोरी काजू पीस कर तैयार हैं और अब हम इसे एक बर्तन में डाल लेंगे और अब इसके बाद हम इसे छलनी से अच्छे से छान लेंगे। अब इधर से हमारी चाशनी भी पक रही है और लीजिए, अब हमने इसे छलनी से अच्छे से छानकर इसे और बारीक कर लिया है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये दोनों अच्छे से मिक्स हो सके। आप चाहें तो मिक्सर को अभी इसमें डाल सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा और पका रही हूँ। देखिए, अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी चाशनी पक गई है या नहीं। मैंने 1 कटोरी में पानी लिया है और उसमें 2 से 3 बूंद डालकर चेक कर रही हूँ। अगर हमारी चाशनी नीचे बैठ रही है तो इसका मतलब है हमारी चाशनी पक चुकी है। देखिए, अब हमारी चाशनी एक तार में बनकर तैयार है। अब मैं इसमें जो हमने मिक्सर बना रखा है वो डाल दूंगी और इसे अच्छे से घुमा देंगे ताकि एक हमारा स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो सके। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा पानी और ऐड कर सकते हैं और उसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। देखिए, अब हमें ऐसा पेस्ट बनाकर तैयार करना है जब तक कि ये चिपकने की स्टेज पर नहीं आ जाता। और आप इस बर्फी को कोई भी फेस्टिवल आए उस पर भी बना सकते हैं। देखिए, अब हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे।
देखिए अब हमारा ये पेस्ट ठंडा हो चुका है और अब हम इसे एक प्लास्टिक की शीट पर डाल देंगे। ये प्लास्टिक की शीट आपको किसी भी स्टेशनरी की शॉप से मिल जाएगी और इसे अब निकाल कर इस पर अच्छे से डाल देंगे। देखिए अब हमने ये सारा पेस्ट निकाल लिया है और उसे इकट्ठा कर दिया और अब हम इसमें हल्का सा घी लगा देंगे। देखिए अब हम इसे फिर शीट पर रखकर अच्छे से आटे की तरह इसे गूंथ देंगे ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो सके, जिससे कि हमारी जो हम बर्फी बनाएंगे वो अच्छे से निकल सके। देखिए मैं कैसे शीट को फोल्ड करके उसी के साथ उसको अच्छे से गूंथ रही हूँ और आप भी इसे ऐसे ही कीजिए। देखिए कब हमारा सॉफ्ट सा डो तैयार है और अब हम इसे एक समतल जगह पर रखकर और बेलन से हल्का हल्का बेल लेंगे। हम इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलेंगे, थोड़ा आराम आराम से ही बेलेंगे। देखिए अब हमारा जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे हमने अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आपको एक तेज़ चाकू की ज़रूरत है, पर मेरे पास जो घर पे ही चाकू था मैंने उसी का यूज़ किया है और मैंने एक स्केल का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई बड़ा स्केल हो या कोई लंबी सीधी सी चीज़ हो उसी के साथ काट सकते हैं और इसे हम एक ही बार में नीचे तक अच्छे से कट लगाएंगे ताकि जो हमारी बर्फी है वो उठाने में आसानी हो। देखिए हम पहले तिरछा कट लगाएंगे। मेरा स्केल छोटा है इसीलिए मैं उसे बार बार उठाकर काट रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके से काजू कतली बनाएंगे तो आपकी भी काजू कतली बहुत ही टेस्टी बनेगी। लीजिए अब हमने सारे तिरछे कट लगा लिए हैं और अब हम इस पे अब बिल्कुल सीधे कट लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो बर्फी है वो पूरी बाजार की बर्फी की तरह शेप में आ जाए। देखिए ऐसे। हम इसे थोड़ा आराम आराम से ही काटेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए अब ये जो हमारी बर्फी है वो बिल्कुल मार्केट की शेप की तरह बन रही है। लीजिए अब हमारी काजू कतली की बर्फी अच्छे शेप में बन चुकी है। अगर आप चाहें तो इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बर्फी पे चांदी का वर्क लगाकर दिखा रही हूँ।
देखिए अब मैंने इस पे ऐसे चांदी का वर्क लगा दिया है, क्योंकि चांदी का वर्क सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी पे ही इसे लगाया है और बाकी बर्फ़ी मैंने ऐसे छोड़ दी है। अगर आप लगाना चाहो तो मैंने आपको इसलिए ये लगा कर दिखाया है। लीजिए अब हमारी काजू कतली की बर्फ़ी बनकर तैयार है और अब हम इसे प्लेट में अच्छे से सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी ये बर्फ़ी, क्योंकि हमने इसे अपने हाथों से घर पर ही बनाया है। लीजिए अब हमारी काजू कतली की टेस्टी बर्फ़ी तैयार है और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है, जैसे कि मार्केट की बर्फ़ी होती है उसी तरह ही हमारी भी ये बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि ये बर्फ़ी बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। जैसा कि आपने देखा आज हमने बनाई काजू कतली, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।